Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masiki. Jai Masiki. Okay, that was good. We want that kind of an enthusiasm. ऐसा ही जोश हमारे लिए होना बहुत आवश्यक है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले इस सुंदर मौके के लिए और चेयरमैन साहब का, डॉक्टर थॉमस और आदरणीय मेहमान लोग, फैकल्टी और आप सभी का जो उन्होंने ये आदर दिया है कि आज सुबह मुझे ये मौका मिला कि मैं इस सभा में शामिल हो सकूं और मैं स्वयं आशीष प्राप्त कर सकूं. आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टू मिस्टर चेयरमैन डॉक्टर थॉमस एंड द ऑनरेबल गेस्ट्स हु द फैकल्टी एंड द कांग्रेगेशन एंड एवरीबॉडी हियर फॉर दिस प्रिविलेज दैट आई हैव ऑफ बीइंग हियर एंड बीइंग एबल टू शेयर समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. मैं दोनों ही भाषा में बोलूँगा क्योंकि मुझे दोनों भाषा आती हैं और उससे थोड़ा समय भी हमारा बच जाएगा. आई थिंक आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली और नॉट साइमल्टेनियसली बट वन आफ्टर द अदर इंग्लिश एंड हिंदी. सो वी कैन सेव सम टाइम एंड आई विल प्रेफर टू यूज दिस माइक्रोफोन एज अपोज्ड टू द हैंडहेल्ड. संक्षिप्त रूप से हम लोग कुछ समय के लिए निकालेंगे बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और उससे हम सभी एक साथ मिलकर शिक्षा लेंगे. वेरी शॉर्टली इन अ वेरी शॉर्ट वे वी विल हैव अ लुक एट द स्क्रिप्चर्स एंड लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. आई रिमेंबर वे बैक इन 1993 एंड देन इन 95 I was dressed up like this and had the joy of being graduated in Chicago. And it is a very special occasion. So I want to congratulate all the students for the hard work that you have put in. And it's your day. And this is my prayer that in the days to come, as you proceed in ministry, and some of you may already be in ministry. I was in ministry when I was doing my MATS and MDiv. That the Lord will continue to bless your efforts and use you for His kingdom. मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी लोग हैं जिनके आज ग्रेजुएशन है 1993 में और 1995 में. दो बार मेरा ग्रेजुएशन हुआ अलग अलग मास्टर्स की डिग्री के लिए शिकागो अमेरिका में. और मुझे मालूम है कि बहुत ही विशेष दिन होता है आज का दिन और आप लोगों ने जो मेहनत की है उस मेहनत के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में प्रभु आपकी सेवा को अच्छी तरह से उपयोग करें. एक छोटा सा हिस्सा है बाइबल का जो मैं पढ़ना चाहता हूँ हम सब की हिदायत के लिए. वेरी शॉर्ट पैसेज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट आई वांट टू रीड फॉर आवर मेडिटेशन दिस मॉर्निंग. इट्स टेकन फ्रॉम मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 5 वर्सेस 13 टू 16. बहुत ही जाना मेरा पैसेज है
मत्ती रचित सुसमाचार पांचवा अध्याय उसके 14-13 से 16 पद तक। I will read it only in Hindi, maybe just to save time। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौला जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है, बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अंतिम पद, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में पढ़ाई करें। एक जाना माना पैसेज है ये, और हम लोग